नमस्कार दोस्तों, फिर से इस वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आपको पता है आज हर कोई यानी कि लड़का हो या लड़की, सभी लोग टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं और इसकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई के पास 2, 4, 6, 10 टी शर्ट मिल ही जाएंगे और सभी लोग नए नए स्टाइल का टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। ऐसे में आप इस बिजनेस को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में छोटी से छोटी जगह पर भी शुरू करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में मैं इस बिजनेस से संबंधित सभी जानकारी, जैसे बिजनेस कैसे शुरू करें, इसके लिए कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत होगी और मशीनें कहाँ मिलेगी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होगी, हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा और हमें इस बिजनेस को शुरू करने के बाद मुनाफा कितना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसकी मार्केटिंग के बारे में बात करें तो आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास के लोगों से संपर्क कर सकते हैं, अपने अगल बगल के स्कूलों से संपर्क कर सकते हैं, छोटे मोटे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, आपके यहाँ जो प्लेयर्स होंगे, टूर्नामेंट होते ही रहते होंगे, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ आप संपर्क करके छोटे मोटे टेंडर ले सकते हैं और अगर आपकी कोई शॉप है तो आप वहाँ भी इसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होगी, कौन सी मशीन, रॉ मटेरियल और ये सभी सामानें मिलेंगी कहाँ। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास है तो अच्छी है, नहीं तो आप अमेजोन से ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस कंप्यूटर से हम डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन करने के बाद डिजिटल प्रिंटर द्वारा एक पेपर पर प्रिंट निकाल के उसके बाद टी शर्ट पर प्रिंट करेंगे। तो आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अमेजोन से घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद हमें एक डिजिटल प्रिंटर की ज़रूरत होगी। आप देख रहे हैं डिजिटल प्रिंटर मशीन फॉर टी शर्ट एंड टेक्सटाइल्स, इसकी कीमत जो है 17 से 20 हज़ार रुपये है। कंप्यूटर पर डिज़ाइन करने के बाद इस प्रिंटर द्वारा हम ट्रांसफ़र पेपर पर प्रिंट निकालेंगे। उसके बाद आप ऊपर देख रहे होंगे एक मशीन है जो कि टी शर्ट पर प्रिंट करती है। इस पे ट्रांसफ़र पेपर पर प्रिंट निकालने के बाद हम उस मशीन के द्वारा टी शर्ट पर प्रिंट करते हैं। तो इन दोनों को देखा जाए तो मशीन की कीमत 19 से 20 हज़ार यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपये में ये मशीन मिल जाती है और जो प्रिंटर है ये 17 से 20 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगी, अमेजन पर उपलब्ध है। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद हमें ट्रांसफ़र पेपर की ज़रूरत होगी। ट्रांसफ़र पेपर भी अमेजन पर उपलब्ध है, आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं, यहाँ से घर बैठे ऑनलाइन ट्रांसफ़र पेपर मंगवा सकते हैं। ट्रांसफ़र पेपर पे प्रिंट निकलती है प्रिंटर से, उसके बाद हम टी शर्ट पर प्रिंट करते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में पहले देखा होगा। और चौथी है इंक। प्रिंटर से प्रिंट निकालने के लिए हमें इंक की भी ज़रूरत होगी। आप चाहे तो अमेजोन से इंक घर बैठे मंगवा सकते हैं, इसकी भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और पांचवी है रॉ मटेरियल, यानी कि हमें इस बिजनेस का प्रोडक्शन निकालने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, जो कि हमारा टी शर्ट है, ब्लैंक टी शर्ट कलर में मिलेगी। आप यहाँ से टी शर्ट मंगवा सकते हैं। ये वेबसाइट है www.indiamart.com, जो कि ऊपर लिखा हुआ है इंडिया मार्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिलेंगे जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, आप जिस क्वालिटी का टी शर्ट खरीदना चाहते हैं रॉ मटेरियल, यहाँ से मंगवा सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया से बहुत सारे जगहों से सप्लायर मिलेंगे आपको, अगर आपके नज़दीक के हैं तो आप वहाँ जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या यहाँ से आप ऑनलाइन घर बैठे भी माल सप्लाई करवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इस बिजनेस के फिक्स्ड कैपिटल के बारे में, यानी कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट पर कितने खर्च करने होंगे उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर हमें लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो भी प्रिंट टी शर्ट पे करेंगे उसका डिज़ाइन जो है हम कंप्यूटर पर ही करेंगे। अगर आपके पास पहले से लैपटॉप या कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे मार्केट से लगभग 20 हज़ार रुपये में
खरीद सकते हैं। दूसरी है डिजिटल प्रिंटर। दोस्तों टी शर्ट पर प्रिंट करने से पहले ट्रांसफर पेपर पर प्रिंट निकालेंगे, इसी डिजिटल प्रिंटर के माध्यम से हम ट्रांसफर पेपर पर प्रिंट निकालते हैं, उसके बाद टी शर्ट पर प्रिंट करते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन के द्वारा। तो ये जो प्रिंटर है डिजिटल प्रिंटर 16,000 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। और तीसरी है टी शर्ट प्रिंटर मशीन, इसकी कीमत जो है 17,000 रुपये है, ये भी मार्केट में उपलब्ध है। इन तीनों का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इनके पेज पर जा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इस बिजनेस के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि एक दिन का ये लेखा जोखा है। आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल यूटिलिटी एंड अदर एक्सपेंसेस पर डे, जिसमें पहला है रॉ मटेरियल यानी कि टी शर्ट 240 पीस 21,600। इस मशीन से आप एक घंटे में 30 पीस टी शर्ट पर प्रिंट निकाल सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो 240 टी शर्ट पर आप प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी कीमत एक टी शर्ट का अगर 90 रुपये है तो 240 पीस टी शर्ट का 21,600 रुपये हो जाएंगे। दूसरी है इंक यानी कि प्रिंटर कार्टेज, ये हमारे दो लगेंगे, इनकी मार्केट में कीमत 2,000 रुपये लगभग है। तीसरी है ट्रांसफ़र पेपर, ये हमारे एक पैकेट लग जाएंगे, इनकी कीमत जो है 400 रुपये आएगी। और चौथी है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अगर एडवर्टाइजमेंट पर 100 रुपये खर्च करते हैं। पाँचवीं है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इस पर भी 100 रुपये मान लेते हैं अदर खर्चा। और नंबर छः है पावर, पावर बिजली करंट जो भी हो 50 रुपये उसका रखते हैं। और वर्कर जो है, अगर एक वर्कर रखते हैं 400 रुपये उसको प्रतिदिन देते हैं तो 400 रुपये उसके, अगर टोटल खर्चा जोड़ा जाए एक दिन का तो 24,650 रुपया, यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे 24,650 रुपये का आएगा। दोस्तों फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एवं वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस के प्रॉफिट रिपोर्ट के बारे में। आप देख रहे होंगे मशीन कैपेसिटी इन वन डे, यानी कि एक दिन में ये जो मशीन है 240 पीस टी शर्ट पर प्रिंट निकाल सकती है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर एक टी शर्ट को हम 90 रुपये में भी खरीदते हैं तो 240 × 90 यानी कि 21,600 रुपये का हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। अगर उसके बाद देखें तो सैलरी वेजेज रॉ मटेरियल यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंसेस जो है पर डे, यानी कि एक दिन का 350 रुपये खर्च होगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 24,650 रुपये हो जाएगा। अब इसकी मार्केट वैल्यू देखें, यानी कि मार्केट सेलिंग प्राइस वन पीस, अगर एक पीस को 130 रुपये में भी हम सेल करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हमारा, उसके नीचे देखें टोटल प्रोडक्शन 240 × 130 यानी कि 31,200 रुपये का हमारा टोटल सेलिंग होगा। टोटल सेलिंग जब 31,200 रुपये का होगा, टोटल प्रॉफिट अगर हम निकालें एक दिन का तो टोटल सेलिंग माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 31,200 माइनस 24,650 यानी कि 6,550 रुपये का एक दिन का प्रॉफिट होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट इन वन मंथ यानी कि एक महीने में हम 6,550 रुपये इंटू 30 डेज यानी कि 196,500 रुपये का इनकम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस मशीन को ले लेते हैं और 240 जो टी शर्ट है उस पर प्रिंट कर लेते हैं लेकिन मार्केट में सेल नहीं कर पाते हैं, तो आप सिर्फ 50 टी शर्ट पर प्रिंट करके और सेल करें। अगर 50 टी शर्ट पर भी प्रिंट करके और मार्केट में सेल कर देते हैं और एक टी शर्ट पर अगर आप 30 रुपये मार्जिन लेते हैं तो 50 × 30 यानी कि 1,500 रुपये एक दिन में आप अकेले काम करके कमा सकते हैं। उस हिसाब से एक महीने में 1,500 × 30 यानी कि 30 दिन बराबर 45,000 रुपये आप अकेले काम करके इस मशीन से कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट और न्यूज़पेपर के माध्यम से ली गई जानकारी पर आधारित है, ये जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दी गई है। आप अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत होगी, इसलिए आप कोई भी बिजनेस शुरू करें तो अपनी सूझबूझ से शुरू करें, क्योंकि हर कोई किसी बिजनेस को मुनाफे के लिए शुरू करता है
लेकिन कभी-कभी लॉस भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।